आज हम क्लास 8 इंग्लिश की हनीड्यू बुक का चैप्टर नंबर 6 दिस इज जॉर्डीज फान का पार्ट 3 करेंगे। इसके दो पार्ट हम पहले कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले दो पार्ट्स में हमने यह पढ़ा कि जॉर्डी के पिताजी को रैटल स्नेक ने काट लिया था और उनका इलाज करने के लिए उन्होंने एक हरिणी को मार डाला और उसका पिताजी का जहर उतारने के लिए उन्होंने उस हरिणी के हृदय और लीवर का प्रयोग किया ताकि उनका जहर उतारा जा सके। उनके पिताजी तो बच गए लेकिन जो उस हरिणी का एक छोटा बच्चा था, मृग शावक था, उसको उन्होंने उस समय वहीं छोड़ दिया था। जॉर्डी एक बहुत ही नेक दिल लड़का है, उसको ये बार बार दुख हो रहा था कि उन्होंने उस लड़के को वहीं पर छोड़ दिया, इसलिए वो चाहता था कि उस मृग शावक को घर पे लाया जाए ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। इसके लिए वह अपने पिताजी की और माँ की अनुमति भी लेता है। अनुमति मिलने के बाद वह मिलमिल के साथ घोड़े पर सवार होकर फोन को मृग शावक को ढूंढने जाता है। सेकंड पार्ट में हमने यह देखा कि वह मिलविल को तो अपने साथ से अलग कर देता है और जॉर्डी आगे अकेला ही फोन को ढूंढने के लिए चला जाता है। वहां वह उसे मिलता है कि नहीं, लगभग उस तक पहुंच ही जाता है। अब हम थर्ड पार्ट में ये देखेंगे कि जॉर्डी को मिल वह फोन है वो मिला और उसके बाद क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड पार्ट। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम। जो मूवमेंट उसके सामने हो रही थी, हलचल उसके सामने हो रही थी, उसने उसको क्या कर दिया, स्टार्टल, विस्मित कर दिया कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, इसलिए वो क्या हो गया, लड़खड़ा कर पीछे लुढ़क गया। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, मृग शावक ने अपना चेहरा, इट्स फेस, अपना चेहरा उसकी तरफ उठाया, किसकी तरफ, जॉर्डी की तरफ। इट टर्न्ड इट्स हेड विद अ वाइड वॉन्डरिंग मोशन, इसने अपना चेहरा, इट यहां किसके लिए आया, फोन के लिए आया, इसने अपना जो सिर था वो बहुत ही चौड़ी, वाइड होता है चौड़ी और वॉन्डरिंग होता है विस्मित करने वाली गति के साथ टर्न किया, घुमाया। एंड शॉक थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज, लिक्विड आइज यानी आंखों में पानी भरा हुआ है उसके, उसने अपनी आंखों में पानी भरी हुई आंखों से क्या किया, जॉर्डी को क्या किया, उसने सिहरा दिया, बिल्कुल ही स्टेयर कर दिया, उसको शॉक कर दिया, हिला दिया उसको। जॉर्डी को मृग शावक अपनी आंखों से घूरने लग गया था। इट वॉज क्विवरिंग, वह क्या कर रहा था, कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, उसने उठने या दौड़ने का कोई भी प्रयास नहीं किया। जॉर्डी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जॉर्डी आगे बढ़ने का स्वयं पर भी विश्वास नहीं कर सका। ट्रस्ट क्या होता है, विश्वास। ही विस्पर्ड, वह धीरे से बुदबुदाया, बोला, इट्स मी, यह मैं हूं। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, मृग शावक ने अपना नाक उठाया, सेंटिंग हिम, उसे सूंघते हुए, किसे, जॉर्डी को। ही रीच्ड आउट वन हैंड, उसने अपना एक हाथ बढ़ाया, एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और उसे मृग शावक की गर्दन पर रखा। द टच मेड हिम डिलीरियस, जो स्पर्श था उसने उसको अत्यधिक प्रसन्न किया, यानी जब जॉर्डी ने उसको छुआ तो जॉर्डी को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स, वह अपने चारों पर, अपने चारों मतलब हाथ और पैर चारों पर आगे बढ़ा, अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, जब तक
जब तक कि वह उसके बिल्कुल पास नहीं आ गया। He puts his arms around its body. जॉर्डी ने अपने हाथ उसके शरीर के चारों तरफ रखे। A light convulsion passed over it, but it did not stir. एक जो होते हैं ना हल्की सी खुशी टाइप सिरहन सी जो आती है पूरे शरीर में, जो सिरहन दौड़ जाती है वो उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन वो बिल्कुल भी हिला नहीं। He stopped its side as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. उसने उसकी जो साइड्स है वो इतनी सहजता से सहलाई कि जैसे कि वो मृग शावक था, कोई चाइना डियर चीनी मिट्टी का हिरण हो, एंड ही माइट ब्रेक इट, और वह उसको तोड़ सकता था। यानी उतने प्यार से उसने उसको सहलाया। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी त्वचा बहुत ही कोमल थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, यह चिकना व चमकदार और क्या था, साफ था। एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसमें किसकी मधुर गंध आ रही थी, घास की गंध आ रही थी। ही रोज स्लोली, वह धीरे से उठा। एंड लिफ्टेड द फान फ्रॉम द ग्राउंड, और मृग शावक को जमीन से उठाया। इट्स लेग हंग लिंपली, उसके जो पैर थे वो ऐसे लटके हुए थे, जैसे कोई होता है ना लंगड़ा हो, लंगड़े को उठाते हैं, उसके पैर काम नहीं कर रहे होते तो वो लटक रहे से पैर होते हैं, तो उसके जब उसने उसको उठाया तो उसके पैर लटके हुए थे, जैसा कि पिक में देख सकते हैं। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, वह आश्चर्यचकित रूप से लंबे थे। क्या पैरों के लिए कहा है कि उसके पैर बहुत लंबे थे। एंड ही हैड टू होस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म्स, और मृग शावक को उसे अपने हाथों में इतना ऊंचा उठाना था जितना कि वह उठा सकता था, या जितना कि पॉसिबल था, संभव था, क्योंकि उसके पैर बहुत लंबे थे। तो उसको जॉर्डी को यह था कि उसको और ज्यादा ऊंचा उठाया जाए। ही वॉज अफ्रेड दैट, वह डरा हुआ था कि इट माइट किक एंड ब्लीट एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, कि उसकी माँ की गंध को सूंघकर, क्योंकि दिन में उन्होंने उसकी माँ को मारा था, तो जॉर्डी में उसकी माँ की गंध आ रही होगी। जॉर्डी को ऐसे लग रहा था कि उसकी माँ की गंध को सूंघकर तथा उस जो सीन हुआ था उसकी आंखों के सामने देखकर वह क्या कर सकता था, किक मार सकता था, टांग मार सकता था, और ब्लीट और मिमिया सकता था। ही स्कटेड द क्लियरिंग, वह साफ जगह के किनारे किनारे चला, स्कर्टेड द किनारे किनारे, एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, और जो झुरमुट थी रास्ते में उसके बीच से उसने अपना रास्ता बनाया। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, अपने बोझ के लिए फाइट करते हुए यानी लड़ते हुए चलना कठिन था। बोझ क्या था भाई, उसने मृग शावक को अपने हाथों में तो उठा ही रखा था, और जंगल था, घना जंगल था, उसमें से गुजरना उसके लिए क्या था, डिफिकल्ट था। द फॉन्स लेग कॉट इन द बुशेज, अब क्या हो गया, मृग शावक की जो टांगे थी वो झाड़ियों में फंस गई। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम, और वह अपने जो स्वयं की टांगे थी, स्वयं के जो पैर भी थे, उनको भी वह अब फ्रीडम से, स्वतंत्रता से नहीं उठा सकता था। He tried to shield its face from prickling vines. उसने अपने चेहरे को जो vines अंगूर की बेलें थी, कंटीली अंगूर की बेलें थी, उससे बचाने का प्रयास किया। Its head bobbed with his stride. इसका जो सिर था उसके लंबे कदमों के कारण क्या कर रहा था, झूल रहा था।
अब जॉर्डी फटाफट चलने की कोशिश कर रहा था, पैर लंबे लंबे रख रखा था, तो वृक्षावक का जो मुंह है वो हिल रहा था। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, उसका हृदय उसकी स्वीकृति के आश्चर्य से धड़का। जो स्वीकृत था उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि जॉर्डी के साथ जाना, तो जॉर्डी का जो हृदय था वो क्या हो रहा था, धड़क रहा था कि ये मेरे साथ चल रहा है। ही रीच्ड द ट्रेल, वह कहाँ तक पहुंच गया, अब पगडंडी तक पहुंच गया। एंड वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेप्शन विद द रोड होम, और वह इतनी तेज चला, वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड, और जितना तेज चल सकता था उतना तेज चला, कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेप्शन विद द रोड होम, जब तक कि वह घर जाने वाली सड़क के जो कट लगा हुआ होता है वहां तक वह नहीं पहुंच गया। ही स्टॉप्ड टू रेस्ट, वह थोड़ा आराम करने के लिए रुका। एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डेंगलिंग लेग्स, और उसने मृग शावक को उसकी लंगड़ाती हुई टांगों पर खड़ा किया। इट वेवर्ड ऑन देम, वह उन पर डगमगाया। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, इसने उसकी तरफ देखा और क्या किया, मिमियाया। ही सेड चेंटेड, उसने प्रसन्नता से कहा, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीद, मैं अपनी सांस सामान्य होने के बाद तुम्हें उठा लूंगा। ही रिमेम्बर्ड हिज फादर सेइंग, उसे अपने पिता की बात याद आई, दैट ए फोन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड, कि एक मृग शावक आपको अनुसरण करेगा, आपका पीछा पीछे पीछे चलेगा यदि एक बार आप उसे गोद में उठा लो। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। द फोन स्टेड आफ्टर हिम, फोन मृग शावक ने उसे पीछे से घूरा। ही केम बैक टू इट, वह वापस उसके पास आया। एंड स्टॉप्ड इट, और उसे थोड़ा क्या करते हैं, प्यार से सहलाया। एंड वॉक्ड अवे अगेन, और दोबारा वह चलने लगा। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टूवर्ड्स हिम एंड क्राइड पिटियसली, उसने डगमगाते हुए थोड़े कदम उसकी तरफ बढ़ाए और फिर वह दयनीयता से चीखा। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, उसके पीछे चलने की उसकी इच्छा थी। इट बिलोंग टू हिम, वह उससे संबंधित था। इट वॉज हिज ऑन, यह उसका अपना था। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, वह खुशी के मारे कुछ स्पष्ट सोच पाने में भी असमर्थ था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, वह उसे पुचकारना चाहता था। टू रन एंड रोम्प विद इट, उसके साथ दौड़ना और उछल कूद करना चाहता था। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, वह उसे अपने पास तक आने के लिए बुलाना चाहता था। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, उसने इसे डराने का बिल्कुल भी उसमें क्या साहस नहीं था। ही पिक्ड इट अप, उसने उसे उठाया एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, और उसने अपने दोनों हाथों में उसको बिल्कुल अपने आगे तक उठा लिया। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट, उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि अब वह बिना प्रयास के ही चला। हिज आर्म्स बिगेन टू एक, उसके हाथ दर्द होने लग गए। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, उसको दोबारा रुकने के लिए बाध्य होना पड़ा। वेन ही वॉक्ड ऑन, जब वह चला, द फोन फॉलोड हिम एट वंस, तो उसी समय मृग शावक उसके पीछे चल पड़ा। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, उसने थोड़ी दूर तक तो उसको चलने के लिए अनुमति दी। देन पिक्ड इट अप अगेन, ये दोबारा उसे उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, घर की दूरी न के समान थी। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इन टू द नाइट, वह पूरे दिन और पूरी रात चल सकता था।
कैरिंग इट, उसको उठाए हुए, एंड वॉचिंग इट फॉलो, और उसको पीछे चलते हुए देखते हुए. ही वॉज वेट विद स्वेट, वह पसीने से भीग गया था, बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम, लेकिन जून की सुबह जो हवा चल रही थी, हल्की हवा चल रही थी, वो उसको कूल कर रही थी, थोड़ा ठंडा कर रही थी, सुकून दे रही थी. द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, आसमान इतना साफ था जितना कि नीले रंग के चीनी मिट्टी के कप में किसी झरने का पानी होता है. ही केम टू द क्लियरिंग, वह साफ जगह आया. इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, यह बहुत ही ताजा और हरा था क्योंकि पिछले रात जो वर्षा हुई थी उसके कारण सब तरफ साफ साफ था. ही फंबल्ड विद द लैच, उसने सटकनी को टटोला. एंड वॉज द फाइनली ओबलाइज्ड टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, और मृग शावक का प्रबंध करने के लिए आखिरकार उसे नीचे रखने के लिए वो बाध्य हो गया. देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसे एक विचार आया. ही वुड वॉक इन टू द हाउस, कि वो घर में जाएगा. इन टू पैनीज बेडरूम, पैनी के शयन कक्ष में. विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, फोन उसके पीछे चलता हुआ जाएगा. बट एट द स्टेप्स, लेकिन सीढ़ियों पर ही द फोन ब्लॉक्ड, फोन वहां पर क्या हो गया, उसने वो रुक गया वहां पर, अनिच्छा उसने व्यक्त की. एंड रिफ्यूज्ड टू क्लाइंब देम, और उसने सीढ़ियां चढ़ने से मना कर दिया. ही पिक्ड इट अप, जॉर्डी ने उसको उठा लिया. एंड वेंट टू हिज फादर, और अपने पिता के पास चला गया. पैनी ले विद क्लोज्ड आईज, पैनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था. जॉर्डी कॉल्ड पालुक, जॉर्डी ने पुकारा, पिताजी देखो. पैनी टर्न्ड हिज हेड, पैनी ने अपना सिर घुमाया. जॉर्डी स्टूड बिसाइड हिम, जॉर्डी उनके पास खड़ा था. द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, मृग शावक को उसने कसकर अपने से चिपकाए हुए खड़ा था. इट सीम्ड टू पैनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फोन्स, ऐसे प्रतीत हो रहा था पैनी को कि लड़के की आंखें, मीन्स जॉर्डी की आंखें, उतनी ही चमक रही थी जितनी कि मृग शावक की थी. ही सेड, उसने कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मैं खुश हूं कि तुमने इसे ढूंढ लिया. जॉर्डी देन वेंट टू द किचन, फिर जॉर्डी रसोई में गया. द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम, मृग शावक डगमगाते हुए उसके पीछे चला. अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेप, एक बर्तन में सुबह का दूध सुरक्षित रखा हुआ था. द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, मलाई उस पर आ गई थी. ही स्कीम्ड द क्रीम इन टू द जग, अ जग, उसने क्रीम को एक जग में निकाल दिया. ही पॉर्ड मिल्क इन टू अ स्मॉल गर्ड, उसने दूध को एक छोटे तुम्बे में निकाला. ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, उसने उसे मृग शावक के आगे पकड़े रखा. इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, दूध को सूंघते हुए उसने अचानक उसको सिर से टक्कर मार दी. ही सेव्ड इट प्रिकेडसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, उसने बहुत ही भयंकर रूप से उस दूध को फर्श पर फैलने से बचाया. इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गर्ड, तुम्बे में रखे हुए दूध का कुछ उपयोग वह नहीं कर सका. ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क, उसने अपनी अंगुलियां दूध में डुबोई. एंड थर्स्ट डैम इन टू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ, और उसने अपनी उंगलियों को
फोन के कोमल गीले मुंह में ठूस दी। इट सक्ड ग्रीडीली, उसने बहुत ही लालच से उनको चूसा। व्हेन ही विथड्रू देम, जब उसने उसको खींचा, इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम, वह बहुत ही उत्सुकता से मिमियाया और सिर से उसने टक्कर मारी। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन, उसने दोबारा अपनी अंगुलियां डुबोई। एंड एज द फोन सक्ड, और जैसे ही मृगशावक ने उनको चूसा, ही लोअर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, उसने धीरे धीरे अंगुलियों को पुनः क्या गया नीचे तक ले गया। द फोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड, मृगशावक ने प्रहार किया, चूसा और फुफकारा। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इंपेशेंटली, उसने अधैर्यवान होकर अपने छोटे छोटे खुरों को फर्श पर पटका। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, द फोन वॉज कंटेंट, जब तक उसने अंगुलियां दूध के स्तर के नीचे रखी, मृगशावक क्या था, कंटेंट था, संतुष्ट था। इट क्लोज्ड इट्स आईज ड्रीमली, उसने अपनी आंखें मदमस्त होकर बंद रखी। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, उसकी जीभ को अपने हाथ पर महसूस करना उसके लिए बहुत ही आनंदपूर्ण था। इट्स अ स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी छोटी पूंछ आगे पीछे हिल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड इन अ स्विल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, दूध की अंतिम घूंट चक्कर खाते हुए झाग के रूप में गड़पने की आवाज के साथ ही समाप्त हो गई। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।